आज हम बाप दादा के विशेष संदेश को पढ़ने जा रहे हैं, जो 18 जनवरी 1969 को जब पिता श्री ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, उनके अव्यक्त होने के बाद दादी गुजार संदेश लेने के लिए गए, तो बाबा ने जो दिव्य संदेश दिए उनका हम अध्ययन शुरू कर रहे हैं। आज पहला संदेश हम सुनेंगे। दादी गुजार जब वतन में गए बाबा से संदेश लेने के लिए कि ब्रह्मा बाबा को आपने बुलाया, अब हमें क्या करना है। आज जब वतन में गई तो शिव बाबा बोले, साकार ब्रह्मा बाबा की आत्मा में आदि से अंत तक 84 जन्मों का के चक्र लगाने के संस्कार। ब्रह्मा बाबा की आत्मा में पूरे 84 जन्मों के चक्र लगाने का संस्कार है। तो आज भी वतन से चक्कर लगाने गए थे, जैसे साइंस वाले रॉकेट द्वारा चंद्रमा तक पहुंचे और जितना चंद्रमा के नजदीक पहुंचते गए उतना इस धरती के आकर्षण से क्या होते गए, दूर होते गए। पृथ्वी की आकर्षण खत्म होती गई, वहां पहुंचने पर बहुत हल्कापन महसूस होता है, जैसे तुम बच्चे जब सूक्ष्म वतन में आते हो तो स्थूल आकर्षण खत्म हो जाती है। तो वहां भी धरती की आकर्षण नहीं रहती। ये है ध्यान द्वारा और वो है साइंस द्वारा। ये तो तुम ध्यान से जाते हो और वो कैसे जाते हैं, साइंस द्वारा जाते हैं। और भी एक अंतर बाप दादा सुना रहे थे कि वे लोग जब रॉकेट में चलते हैं तो लौटने का कनेक्शन नीचे वालों से होता है, लेकिन यहां तो जब चाहे जैसे चाहे अपने हाथ में है। इसके बाद बाबा ने एक दृश्य दिखाया। अभी तक पहली क्या बात हमने देखी कि ब्रह्मा बाबा ध्यान से जब परमधाम पहुंचे तो यहां के आकर्षण से क्या हो गए, फ्री हो गए, जिसको साइंस के साथ उदाहरण में समझाया। अब बाबा ने, क्योंकि संदेश जब बाबा देते तो दो तरीके होते हैं, एक तो बाबा बताते हैं या फिर कोई दृश्य दिखाते। अब बाबा ने दृश्य दिखाया कि एक लाइट की बहुत ऊंची पहाड़ी थी, उस पहाड़ी के नीचे शक्ति सेना और पांडव दल भी था, ऊपर में बाप दादा खड़े थे, इसके बाद बाप भी और दादा भी दोनों खड़े हुए थे। इसके बाद बहुत भीड़ हो गई, हम सभी वहां खड़े ऐसे लग रहे थे जैसे साकारी नहीं लेकिन मंदिर के साक्षात्कार मूर्त खड़े हैं।
सभी ऊपर देखने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ऊपर देख नहीं सके। कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर देखें, ऊपर देख नहीं सके। जैसे सभी बहुत तरस रहे थे, फिर थोड़ी देर में एक आकाशवाणी की तरह आवाज आई कि शक्तियों और पांडवों द्वारा ही कल्याण होना है। उस समय हम सबके चेहरे पर बहुत ही रहम दिल का भाव था, बहुत ही रहम दिल का भाव था। उसके बाद फिर कई लोगों को शक्तियों और पांडवों से अव्यक्त ब्रह्मा का साक्षात्कार, शिव बाबा का साक्षात्कार होने लगा। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों से अनेकानेक आत्माओं को ब्रह्मा बाबा का और शिव बाबा का साक्षात्कार होने लगा। फिर तो वो सीन देखने की थी, कोई हंस रहा था, कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा था, कोई प्रेम में आंसू बहा रहा था, लेकिन सारी शक्तियां आग के गोले समान तेजस्वी रूप में स्थित थी। इस पर बाबा ने सुनाया कि अंत समय में तुम्हारा ये व्यक्त शरीर भी बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। अभी तो पुराना हिसाब किताब होने के कारण शरीर अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अंत में बिल्कुल स्थिर शांत हो जाएगा। कोई भी हलचल ना मन में ना तन में रहेगी, ना मन में रहेगी और ना तन में रहेगी। जिसको ही बाबा कहते हैं देही अभिमानी सिद्धि, देही अभिमानी सिद्धि। दृश्य समाप्त होने के बाद बाबा ने कहा सभी बच्चों को कहना कि अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। जितना सर्विस पर ध्यान है उतना ही इस मुख्य बात पर भी ध्यान रहे। देही अभिमानी बनना है, देही अभिमानी बनना है। ओम शांति।